आज की मुरली में बाबा ने कहा कि अगर वायुमंडल को शुद्ध बनाना चाहते हो तो क्या करो? शुद्ध संकल्प करो शुद्ध भाई। संकल्प करो और कौन सी पावर यूज होगी इसमें? योग की शक्ति, सकाश देना। बाबा ने कहा ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है। जहाँ पर ज्ञान योग होगा, ज्ञान की बातें होंगी। ज्ञान का मतलब होता है, कोई पूछे ज्ञान क्या है तो क्या बताओगे? समझ समझ। किस चीज की समझ? परमात्मा की, और बोलो। सही। जो सृष्टि में चल रहा है ये ड्रामा की, और ड्रामा की समझ। चारों युगों की समझ, आदि मध्यम। अगर आपको कहे कोई कि ज्ञान की परिभाषा क्या है तो क्या बताओगे? चहल साहब, ज्ञान किसको कहते हैं? सद्विचार होंगे, पवित्रता होगी, ही थोड़ी को ध्यान कहेंगे ना। ध्यान नहीं, ज्ञान। सर, अच्छे और बुरे दी समझ जब आ जाती है तो सिंपल भाषा में तो अच्छे और बुरे ज्ञान होगी, हमारे को पता लग गया कि हम ज्ञान का आत्मा मतलब होता है हैं। जो चीज जैसी है उसको वैसा जानना। पहली बात तो ये है कि कई बार हम होता कुछ है, देखते कुछ है, कुछ का कुछ हमें पता नहीं लगता। दुनिया में सब भ्रांतियां हैं, हम कुछ का कुछ देख रहे हैं, सत्यता कुछ और है। अब कई वैज्ञानिक तो यही कह देंगे कि ये जो शरीर है ये सिर्फ ऊर्जा है, ये सब एटम है, एनर्जी है, कुछ है ही नहीं। दूसरा, इसकी परिभाषा ये होती है, ज्ञान अर्थात जो सत्य असत्य का निर्णय करे, जो राइट रॉन्ग का निर्णय करे, जो ये बताए कि इसका वास्तविक स्वरूप ये है। इस किसी भी चीज का वास्तविक स्वरूप जानना वही ज्ञान है, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, या कुछ भी हो, उसको उसके यथार्थ में जानना। तो बाबा कहते हैं जब तुम्हारे पास भगवान, देखो ज्ञान तो दुनिया में बहुत है, साइंस का ज्ञान अपना है, विज्ञान बोलते हैं, और धर्म के ज्ञान भी बहुत हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबके अपने अपने ज्ञान हैं, सबके अपने अपने ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी एब्सोल्यूट कुछ नहीं है। एब्सोल्यूट ट्रुथ, पूर्ण सत्य, पूर्ण सत्य परमेश्वर के अलावा कोई बता नहीं सकता। हम लोग परमात्मा के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, कल्पनाएं कर सकते हैं कि भगवान ऐसा होगा, भगवान ऐसा होगा। जैसे ये भी एक कल्पना कि भगवान सब जगह, कोई उसको मानते हैं इस बात को, कोई नहीं मानते। और फिर जब सगुण साकार की बात आती है, राम कृष्ण वगैरह को जो मानते हैं, फिर उनके लोक भी बना रखे हैं कि राम का लोक कौन सा है, साकेत, कृष्ण का गोलोक, ऐसे बना रखे। तो बाबा कहता है जब तुम्हारे पास यथार्थ ज्ञान आ जाता है और तुम भगवान से जुड़ना कैसे है, कनेक्ट कैसे करना है, कनेक्टिविटी का ज्ञान आ जाता है, जब तुम वाईफाई का ज्ञान आ जाता है तुम्हें, वो वाईफाई है या हाई फाई है, जब हाई फाई से जुड़ना आ जाता है हमें, तो हमारे अंदर शक्ति का संचार होता है। वैसे भी आप देखो, अगर आप मौन में रहो ना एक हफ्ता, कोई भी बात बोलो नहीं,
बहुत जरूरी है तो लिख के दे दो। जैसे मुक्तेश्वर में एक बंगाली महात्मा होते थे और 6 महीने मौन रहते थे, 6 महीने बोलते थे साल में। हम मिले उनसे और जो कोई बहुत जरूरी बात होती थी तो स्लेट बत्ती रखी थी। तो जब आप योग में भी एक तरह का मौन ही है, तो जब आप मौन करते हैं, योग में भी मौन होकर बैठते हैं, तो आप में फिर ईश्वरीय शक्ति का संचार होता है, सर्वशक्तिवान की शक्ति का, और धीरे धीरे आपकी आत्मा क्या बन जाती है, पावरफुल। पावर और जब पावरफुल पर्सनैलिटी आपकी बन जाती है, तो आपके भ्रिकुटी से, ब्रेन से चारों तरफ शुद्ध वाइब्रेशन निकलती हैं, शुद्ध और शुभ। दुनिया वालों की नेगेटिव निकलती। जिन्होंने ज्ञान को धारण किया है, उनकी पॉजिटिव निकलेंगी, पावरफुल निकलेंगी, प्योर निकलेंगी। तो उससे क्या होगा कि जहाँ रोज तपस्या होती है, वो जो है वायुमंडल पावरफुल बन जाता है। आज हम सुन रहे थे कि तैलंग स्वामी, जिनको गंध बाबा भी कहते थे, जो 300 साल जिए, वो नगन रहते थे, बनारस में भी रहे, और एक बार नेपाल में कहीं गहन जंगल में वो तपस्या में लीन थे, तो वहाँ का जो किंग था, राणा, वो शिकार करता हुआ जो है वहाँ पहुँच गया। टाइगर था या लायन था, तो वो तो जाके जो है ना, वो जो भी एनिमल था, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, हिरन नहीं था, लेकिन वो जाके ना उन महात्मा के पास जाके लेट गया, तैलंग स्वामी के पास। तो उन्होंने बस उसको ऐसे, जैसे कुत्ते को प्यार करते हैं, प्यार किया और उसने शरण ली। एक तरह से राजा ने जब ये कौतक देखा, तो वो बड़ा हैरान हुआ कि ये जानवर, इनको खाने की बजाय इनके पास जाके लौट गया, लेट गया या जाके। तो वो महात्मा जी के पास पहुंचा, तो प्रणाम किया, और फिर जो है उन्होंने उसको कहा, देखो ये जो तुम कर रहे हो ये रॉन्ग है, तुम्हें किसी के प्राण लेने का कोई हक नहीं। इस तरह से उनकी उपस्थिति से ही उनकी मनबुद्धि बदलने लगी, और उसके बाद उसने अपने जीवन में कभी शिकार नहीं किया, किसी को मारा नहीं। तो वो सब क्या है कि उनकी वाइब्रेशनल इम्पैक्ट था, जो शेर भी जाके वहाँ लेट जाता है आराम से और उनसे अपनी सुरक्षा मांगता है। दूसरा बाबा ने कहा, अगर माया पर जीत पानी है तो क्या करो? तो बाबा ने कहा, उसके लिए सुदर्शन चक्र चलाओ। शास्त्रों में भी क्या दिखाया, सुदर्शन चक्र कब चलाते हैं? असुरों का गला काट हाँ, तो यहाँ पे किसका गला काटना है? आसुरी वृत्तियों का। हमारे अंदर कर भी असुर है, राक्षस हमारे भीतर भी है, वो भी कभी जागृत हो जाता है, कभी संत जागृत हो जाता है, कभी है ना, राक्षस भी जागृत हो जाता है, कभी देव जागृत हो जाता है। तो हम कॉम्बिनेशन है, देवासुर संग्राम हमारे भीतर ही चल रहा है ना, देवासुर संग्राम, दैवी वृत्तियों में और आसुरी वृत्तियों में युद्ध चल रहा है। तो जब हम सुदर्शन चक्र फिराते हैं, अपने आप को देखते हैं परम धाम से लेकर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम युग, जब पूरी तरह से देखते हैं कि इस वक्त हम पावन बन रहे हैं, बाकी सारा कल्प में हम नीचे ही उतरते हैं, ऊपर चढ़ने का युग कौन सा है? यही संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग, जब हम पुरुष से पुरुषोत्तम बनते हैं, उत्तम पुरुष।
तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे जी बाबा जी, ज्ञान योग की शक्ति से वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, सुदर्शन चक्र से माया पर जीत पानी है, मायावी वृत्तियों पर जीत पानी। जीत पानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा, याद प्यार, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और नमस्ते। सदा रहो, हंसते कहीं नहीं हंसते, बन जाओ, फरिश्ते बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते।